निज़ाम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आर सी टी अगेन। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अपर, लोअर और प्रॉपर और रिपीट, ये चार फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन फार्मूले का यूज़ क्या है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर पहले से यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे देखिए मैंने A3 वाले कॉलम में आर सी टी अगेन स्मॉल लेटर में लिख के रखा हुआ है, अगर मुझे इसको कैपिटल लेटर में करना है वो भी फार्मूले के माध्यम से, तो आप किस तरीके से इसको करेंगे। तो देखिए ध्यान से आप फार्मूले को देखिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा इक्वल, पहले लगाना होगा इक्वल, लगाना कंपलसरी है, हर फार्मूले में इक्वल लगाना कंपलसरी होता है। इक्वल लिखने के बाद में आप लिखेंगे UPPER अपर, अपर लिखने के बाद में यहाँ पे आप लिखेंगे A3, A3 में देखिए RCTI अगेन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो A3 वाला कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे RCTI अगेन को अपर फार्मूले के माध्यम से वो कैपिटल लेटर में कर दिया। अगर मान लीजिए हमें स्मॉल करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे LOWER लोअर और यहाँ पे A2 वाले में मैंने रेस कंप्यूटर कैपिटल लेटर लिख के रखा है, उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लोअर वाले फार्मूले से लोअर केस कर देगा, यानी स्मॉल लेटर में कर देगा। लोअर फार्मूला का मतलब होता है लोअर केस, अपर का मतलब होता है अपर केस, और प्रॉपर का मतलब समझिए प्रॉपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेस कंप्यूटर लिखा है, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमको एक बार और लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर PROPER प्रॉपर लिखने के बाद में A2, मान लीजिए हमने A2 लिख दिया, A2 में जो भी चीज़ लिखा है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख के एंटर कर दें, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीका क्या है कि पहला कैपिटल बाकी स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से वो मैटर को आपका लिख दिया, यानी ये तीन फार्मूला मैंने आपको बता दिया क्लियरली। अब देखिए यहाँ पर रिपीट का फार्मूला भी मैंने बताया था इसके टाइटल में कि रिपीट फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको रेस कंप्यूटर 10 बार लिखना है तो यहाँ पे करना है, या फिर RCTI मुझे 10 बार लिखना है तो हम फार्मूला लगाएंगे REPT, यहाँ पे REPT रिपीट का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जो भी आपको रिपीट करने से A2 वाले कॉलम को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिख के, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, यानी 10 टाइम इसको रिपीट करना है। तो जैसे ही आप रिपीट लिख के A2 यानी कॉलम का एड्रेस और नेम डालेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 बार ये रेस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिपीट हो गया। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखिए ये RCTI ज्ञान लिखा है, इसको मान लीजिए मुझे 3 बार रिपीट करना है तो यहाँ पे इक्वल लिखेंगे REPT लिखेंगे, रिपीट लिखने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे जैसे ये A3 में लिखा हुआ RCTI ज्ञान कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आपको जितनी बार भी रिपीट करना है वो डालेंगे, मान लीजिए हमको 3 बार रिपीट करना है और इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रेकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो इस तरीके देखिए यहाँ पे 3 बार जो है रिपीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियोज़ मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।